नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार पुनः। और मैं संध्या आप लोगों के लिए लेके आती हूँ एजुकेशनल वीडियोस और छोटे मोटे टेक्निकल वीडियोस जो कि हम टीचर्स के लिए ज़रूरी हो गई है। कुछ वर्क है जो कि हम लोगों को PFMS पे करना होता है सभी प्रधान शिक्षकों को, तो उसी के लिए है ये आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उन शिक्षक साथियों से शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने PFMS पोर्टल पे वेंडर को पेमेंट करें। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो ऑपरेटर आईडी होगी, PFMS में दो आईडी आपको मिली होगी, एक ऑपरेटर आईडी और एक एडमिन आईडी, तो आपको ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करना है और इसी पे आपको ये वर्क करना है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं अपने ऑपरेटर आईडी से और खुल रहा है ये। और इसके लिए आपको जो वेंडर को पेमेंट करना है, जिस वेंडर को, आप उसे क्रिएट कर लेंगे वेंडर को और मैप करके रखेंगे। और इसके लिए वो जो रसीद होगी, वाउचर होगा, उसकी एक PDF आप बना के रखेंगे ताकि उसको अपलोड किया जा सके। PDF बना के आप कहीं भी अपने लैपटॉप में कहीं भी उसका एक फोल्डर बना के नाम लिख के रखेंगे ताकि आसानी हो। अब देखिए ये मेरा खुल गया पेज। अब इसमें क्या करना है, यहाँ बहुत सारा आइकॉन आपको दिख रहा होगा, तो इन सभी में से हमें एक्सपेंडिचर में जाना है। अगर आप वेंडर को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको इस एक्सपेंडिचर लिखा हुआ नीचे एक्सपेंडिचर उसमें जाना होगा और एड न्यू दिख रहा होगा, सबसे ऊपर एड न्यू आता है, तो हम सिंपल उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, जब आप इस एड न्यू को क्लिक करेंगे तब आपको PFMS का वो पेज खुलेगा जहाँ पे आपको वर्क करना है पेमेंट का, जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्कीम दिखेगा आपको सबसे ऊपर में, तो इसको सेलेक्ट करना होगा आपको। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे लिए आ रहा है, तो मैं अपना समग्र शिक्षा अभियान वाला चूज कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, ये खुल गया। अब मेरा जो भी डिटेल आ गया, अब यहाँ पूछ रहा है कि आप एक्सपेंडिचर डन फॉर किसको करना चाहते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक वेंडर का आएगा और एक बेनिफिशियरी का आएगा। तो हमें बेनिफिशियरी को नहीं टच करना है, हमें किसको टच करना है, वेंडर को। वेंडर को हम टच करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब आपका वेंडर का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए अब इसके नीचे वेंडर नेम मांग रहा है, तो आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से वेंडर क्रिएट कर रखा होगा, श्योर आप लोगों ने कर रखा होगा, तो ये जो सेलेक्ट वेंडर है इसको हम टच करेंगे। देखिए तो यहाँ आपने जितने भी वेंडर बनाए होंगे अपने स्कूल के लिए, जहाँ से आपको परचेजिंग करनी है, उसकी सारी लिस्ट देखिए, मेरी जितने भी वेंडर हैं वो उनकी लिस्ट आ गई मेरे सामने। अब इसमें मुझे किसको पेमेंट करना है वो देखना है, तो आपको जिसको भी पेमेंट करना है उसको आप सिंपल टैप करेंगे। मुझे इसको जानवी स्टेशनरी को करना है, तो मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ उसका नाम वेंडर का आ गया, सिलेक्ट हो गया वो। अब उसके नीचे आपसे मांगा जाएगा लेटर नंबर, ऑफिस का लेटर नंबर, तो आप जो टाइप करते होंगे वो लेटर नंबर एक टाइप कर देंगे। कि मैं ये ग्रांट की राशि है, स्कूल ग्रांट की, तो मैं ग्रांट लिखती हूँ स्लैश करके और उसके बाद लेटर नंबर। और नीचे देखिए उसके बाद आपको आ रहा है ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट इफ एनी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपने पहले से फाइल बना रखी होगी, सिंपल इसको चूज फाइल को टैप करेंगे तो आपका फाइल खुलेगा, जितना भी आपका फाइल सेव होगा वो खुल जाएगा। और नाम जरूर लिख के रखें उस फाइल को, ताकि आपको सहूलियत हो। जैसे मुझे ये जानवी कंप्यूटर का है, तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करती हूँ
और ये आ गया, देखिए यहाँ पे फाइल आ गया, अपलोड हो गया यहाँ पे। अब इसका डेट मांग रहा है कि ये जो आप अपलोड कर रहे हैं किस डेट का है, तो ये 15 दिसंबर का है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ और एक्चुअल डेट वो खुद ब खुद ले लेगा जिस डेट में आप उसको कर रहे हैं। और अब ये पूछ रहा है कि ये अमाउंट आपका कितना इसमें है, जिसको आप पे कर रहे हैं उसको कितना अमाउंट पे करना है। तो आपको जो भी अमाउंट आपको पे करना है वो यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद आएगा नरेशन, तो नरेशन में आप लिखेंगे जो भी आपको लिखना हो, ये अमाउंट किसको पे कर रहे हैं। ये किसको आप पे कर रहे हैं वो लिख देंगे और क्यों पे कर रहे हैं, ये रीजन क्या है इसको पे करने का। तो मैं लिख दे रही हूँ अमाउंट पे टू जानवी कंप्यूटर फॉर द कॉस्ट ऑफ, आप जो जिस चीज के लिए भी पे कर रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ करके लिख देंगे। तो मैं पे कर रही हूँ इसको डीडीटी वगैरह के लिए, तो ये मैं लिख दे रही हूँ या नरेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं आपका जो वहां पे होगा जिस पर्पस के लिए आप उसको पेमेंट कर रहे हैं वो। और यहाँ पे एक्सपेंस टाइप पूछेगा, तो आप यहाँ पे रेवेन्यू करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएगा सिलेक्ट स्कीम। तो जब आप सेलेक्ट स्कीम पे जाएंगे तो ये ग्रांट वाला है, तो यहाँ पे आपका खुलेगा, तो इसमें भी दो खुलता है। तो हम यहाँ पे जो प्लस बना हुआ है इसको सिंपल टच करेंगे तो आपका फिर आगे खुलेगा। ये देखिए इसका आप यहाँ पे बहुत सारा स्कीम का कंपोनेंट खुल गया। अब हमें क्या करना है, अगर आप ग्रांट की राशि पे कर रहे हैं तो आपको नीचे जो है क्वालिटी इंटरवेंशन में जाना है और जो प्लस बना हुआ है उसी को टच करना है। आप उसको जब टच करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा आपका बहुत सारा ऑप्शन। तो हमें कंपोजिट स्कूल ग्रांट को सिलेक्ट करना है। ओके, जब आप कंपोजिट स्कूल ग्रांट को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ और खुलेगा नीचे। यहाँ पे आपको आएगा एनुअल ग्रांट अप टू हाईएस्ट क्लास 8। तो चूंकि मेरा स्कूल प्राइमरी स्कूल है 1-5 तक की है, तो ये इसी कैटेगरी में आता है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। आपका अगर अपर है तो आप उसको दूसरा वाला करेंगे। और इसमें फिर नीचे खुलेगा, आपको देख रहे हैं ऑप्शन, आपकी कितनी इनरोलमेंट है स्कूल में, बच्चों की इनरोलमेंट 30 से कितना है, या 250 है, या 250 से ऊपर है। तो चूंकि मेरे यहाँ 250 से ऊपर है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ये सिलेक्ट हो गया और बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे अमाउंट आप डाल देंगे इसकी, जो भी अमाउंट है जितना आप पे कर रहे हैं उसको, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, आ गया। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ ऐड वाला बटन दिखेगा उसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा आपका और ये फिर ऐड हो के फिर से फ्रेश पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये आपका हो गया कंपोनेंट, आप एक बार देख लेंगे कि आपका फिल हुआ है वो सही है या गलत है, यहाँ एक बार चेक कर लेंगे। अगर गलत होगा तो आप बैक हो जाएंगे, नहीं अगर आपका सही है तो इसको सेव कर देंगे, इसको सेव करते हैं। फिर थोड़ा सा वक्त लेगा ये सेव होने में। और सेव हो रहा है ये,
अब देखिए ये सेव हो गया और ये आपका वाउचर नंबर आ गया। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आपका वाउचर नंबर है पीएफएमएस की तरफ से। इसको अब हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल। तो इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। जब आप यस करेंगे तो ये पे डिटेल वाला ऑप्शन आपका खुलेगा। तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि आपका वही है जो जिसको आप पे कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे ये करना है कि इंस्ट्रूमेंट टाइप यहाँ पे दिखेगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट टाइप को खोलेंगे हम और यहाँ पे ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिंपल ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया। अब आपका यहाँ एक और नरेशन मांगेगा पासबुक के लिए कि आप इसमें क्या लिख रहे हैं। तो ये आप लिख देंगे स्कूल की तरफ से है ये पेमेंट। तो मैं लिखूंगी पेमेंट डन बाय जिस स्कूल से पेमेंट आप कर रहे हैं उसका नाम जाएगा। तो मैं अपने स्कूल का नाम दे रही हूँ। ऐसा लिख देंगे कि पेमेंट डन बाय एमएसपीएस जो भी स्कूल का नाम है वो लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन है कैंसिल कंफर्म बैक। अगर इसमें आप कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे, बैक चले जाएंगे, या नहीं सब कुछ सही है तो आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म जब कर देंगे आप तो ये प्रोसेस कर रहा है इस पे डिटेल के लिए। और थोड़ा सा वक्त लेगा ये प्रोसेस में जाता है ये, और उसके बाद ये सेव हो जाएगा। आपका जो पेमेंट एडवाइस है वो सेव हो जाएगा और उसके बाद आप अपने वेंडर को पेमेंट कर पाएंगे। तो बहुत ही इजी है ये पेमेंट करना। आप लोग जरूर ट्राई करें, खुद से करके देखें, जरूर आप लोग कर पाएंगे। और बस इसी तरह पेमेंट किया जा सकता है। जितने भी ग्रांट की राशि है सारी पेमेंट इसी तरह होगी। सिर्फ नरेशन में आपको डिटेलिंग देनी होगी कि आपका ये जो पेमेंट है किसके लिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, आपका सब कुछ हो गया तैयार। अब क्या करना है, यहाँ नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे नीचे सबमिट फॉर अप्रूवल। अब इसको हम क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया आपका, अब आपका काम खत्म हो गया। ये यहीं तक आपका काम था, ये आपका सबमिट हो गया। और अब आपको क्या करना है कि अपनी एडमिन आईडी खोलनी है और वहां से उसको अप्रूव कर लेना है और आपका पीएफएमएस का पेमेंट डन हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट निकाल के एडवाइस की और बैंक को आप जमा कर देंगे और उसको पेमेंट मिल जाएगा वेंडर को। तो इसी तरह आप लोग जरूर अपनी पेमेंट करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा है और कुछ सुझाव भी दें। और आगे अगर कोई और हेल्प चाहिए इस पीएफएमएस से संबंधित तो जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लेके आती हूं जो कि टीचर्स के लिए फायदेमंद होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।